हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली दोस्तों, आप लोगों के सामने खड़ी भी है ब्रांड न्यू यामाहा MT-15 का नया कलर ऑप्शन। और भाई, मुझे भी ये पता चला कि जो मेरा शोरूम है वहाँ पे ये गाड़ी 4 दिन पहले आ गई थी। मतलब अगर मैं 4 दिन पहले इसकी वीडियो डालता तो आई थिंक पूरे इंडिया में मैं सबसे पहले इसकी वीडियो डाल सकता था। बट मैं 4 दिन लेट हो गया क्योंकि मैंने शोरूम विजिट नहीं किया। कभी कभी आ जाता है आलसपना, और आलसपना की वजह से बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट छूट जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई। फाइनली दोस्तों, बाइक आप लोगों के सामने खड़ी हुई है। आज के इस वीडियो में इस बाइक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। कंपनी ने क्या चेंजेस किया है, क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या बजट में आप इस बाइक को खरीद सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं ब्रांड न्यू MT-15 के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों आपको मैं क्लियर कर दूँ, ये आपको एक्सरूम प्राइस आ रही है लगभग 172,000, 172,000 रुपये के आसपास की जो ये आपको एक्सरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो आपको मैं क्लियर कर दूँ, हर एक स्टेट सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट के RTO और इंश्योरेंस चार्जेस से फ़र्क होता है। दोस्तों ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 2,16,000, 2,16,000 रुपये के आसपास की जो आपको ये ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। अब आप लोगों को सिटी एंड स्टेट में दोस्तों इसका क्या प्राइस, अगर आपको बताओ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आ जाते हैं इस बाइक के रिव्यू में, कंपनी ने इसमें क्या चेंजेस किया है। सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहे हैं नया कलर ऑप्शन, ये देखिए आप ग्रीन जो है ये आपको मैट ग्रीन देखने को मिल रहा है। जी दोस्तों, कंपनी ने मैट ग्रीन दिया जो कि बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पर आपको MT-15 की बैचिंग भी देखने को मिल रही है। अब अलॉय व्हील का कलर देखिए, ये नियॉन अलॉय व्हील आपको बाइक में देखने को मिल रहा है। देख पा रहे हैं कंपनी ने नियॉन अलॉय व्हील दिया, ये भी यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ रियर में भी आपको जो देख पा रहे हैं अलॉय व्हील, ये भी आपको नियॉन कलर देखने को मिल रहा है। तो कलर ऑप्शन कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत प्रीमियम नहीं है, और ऐसा लग रहा है भाई कोई बाइक को ना अलग से कलर कराया गया, कुछ इस टाइप का इसका लुक आ रहा है। अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों आपको ये कैसी लग रही है। चलिए आ जाते हैं इस बाइक के रिव्यू में। सबसे पहले दोस्तों जैसे ही मैं इसकी की ऑन करूँगा, की ऑन करते ही सबसे पहले आपको बाइक में मेन लाइट में LED जो DRL लाइट है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही प्रीमियम और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। दोस्तों मिडनाइट में इस बाइक में आपको सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट आपको बाइक में देखने को मिलता है। ये आप देख पा रहे हैं कंपनी ने LED प्रोजेक्टर लाइट दी है, जो कि सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट आपको बाइक में मिल जाती है। लाइट की इल्यूमिनेशन प्लस जो विजिबिलिटी MT-15 की वो भी आपको बहुत बेहतरीन मिल जाएगी। जो टनल सिंगल लैप है वो भी आपको यहाँ पे LED देखने को मिलते हैं। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, कैसी यहाँ पे आपको LED टनल सिंगल लैप देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों फ्रंट में जो सस्पेंशन मिलते हैं आपको यहाँ पे देख पा रहे 37mm की USD, यानी कि अपसाइड डाउन जो सस्पेंशन है वो आपको बाइक में मिलेंगे। सस्पेंशन की जो क्वालिटी दोस्तों वो आपको बहुत सुपर मिलती है। कंपनी ने काफ़ी अच्छे यहाँ पे गोल्डन कलर की HD फोक सस्पेंशन बाइक में दिए हुए हैं। टायर साइज में फ्रंट में 180/60 के आसपास के टायर साइज मिलते हैं, जो कि 17 इंच मिल के साथ में आएंगे। बात करें ब्रेकिंग के बारे में, ब्रेकिंग में दोस्तों स्पेशल फीचर में इस बाइक में आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। जी हाँ, ABS है जो कि डुअल चैनल ABS आपको बाइक में देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ प्लेट साइज के बारे में, तो फ्रंट में आपको बाइक में 282 के आसपास की जो प्लेट साइज है वो आपको बाइक में फ्रंट में देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं इस बाइक के इंजन की तरफ। दोस्तों बता दूँ इंजन टाइप में इस बाइक में आपको 155cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOSC सिंगल सिलेंडर जो इंजन है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। बात करें इसकी पावर एंड टॉर्क के बारे में, दोस्तों ये मैक्सिमम पावर में 18.4 का PS पावर जनरेट करती है एंड 14.2 के आसपास का जो टॉर्क है आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों इसमें आपको जो पावर एंड टॉर्क है वो भी आपको बाइक में बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। दोस्तों MT-15 में खास चीज़ है कि इसमें आपको VVA टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसे कहते हैं वेरिएबल वॉल्यूम इक्वेशन, और इस टेक्नोलॉजी की वजह से दोस्तों इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है उसमें 4 चांद लग जाते हैं, और इस टेक्नोलॉजी की वजह से दोस्तों ये 200 सेगमेंट की जितनी भी बाइक होती है उनको काफ़ी अच्छा ये कम्प्लीट कर सकती है। ठीक, कूलिंग सिस्टम में लिक्विड कूल इंजन मिलता है। फ्यूल सिस्टम भी इसमें आपको FI देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों 6 गियर के साथ में आती है। साथ में आपको बता दूँ इसमें जो स्लीपर क्लच है वो भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, यामाहा का ब्रांड है, जापानीज ब्रांड है, तो इंजन की जो क्वालिटी है वो आपको बाइक में बहुत ही प्यारी और बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। ठीक, सो ये था दोस्तों इस बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। चलिए बात कर लेते हैं इसके माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में, ये आपको क्या माइलेज ऑफर करती है।
देखिए दोस्तों, माइलेज ना डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्किल पे, क्योंकि हर किसी के राइड करने का जो तरीका होता है ना वो काफ़ी अलग होता है। डिपेंड करता है भाई आप कैसे राइड करते हैं, क्योंकि हर किसी के राइड करने का जो तरीका होता है ना वो थोड़ा अलग होता है। दोस्तों ये बाइक मिनिमम आपको लगभग 40 to 45 के आसपास का माइलेज ऑफर कर देती है, ये इसकी बहुत खास बात है। इस वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको अच्छी मिलेगी और माइलेज भी अच्छा मिल जाता है। दोस्तों 0 to 100 में इस बाइक को लगभग 10 सेकंड के आसपास के लगेंगे। इसकी जो टॉप स्पीड है वो आपको लगभग 140 किलोमीटर पर आवर के आसपास की जो टॉप स्पीड है वो आपको इस बाइक की देखने को मिल जाती है। अब आते हैं रियर प्रोफाइल में। सबसे पहले आप टेल लाइट देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको LED टेल लाइट देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी प्रीमियम। टेल लाइट कंपनी ने काफ़ी अच्छी टेल लाइट दी है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। टर्न सिग्नल लाइट यहाँ पे भी आपको LED देखने को मिल जाते हैं। बात करें रियर टायर साइज़ के बारे में, तो रियर में दोस्तों इस बाइक में आपको 140-70 के आसपास का जो टायर साइज है वो आपको बाइक में रियर में देखने को मिल जाते हैं। वही दोस्तों आपको बता दो, रियर में इसमें आपको जो ब्रेक मिलती है वो आपको 220 mm की प्लेट मिलती है। ये बाइक का एग्जॉस्ट है जो कि आपको काफ़ी सुपर देखने को मिलता है। रियर की फुटेज क्वालिटी भी आपको बाइक में बहुत सुपर देखने को मिल जाती है। दोस्तों रियर में इस बाइक में आपको जो सस्पेंशन मिलेंगे वो आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे मिलेंगे, और कंपनी ने यहाँ पे बाइक का कलर रखा है इसका डार्क ग्रेइश, ठीक ये कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि मेरे को तो मैट ग्रीन लगा। यहाँ पे जो फुटेज क्वालिटी वो भी आपको बहुत सुपर मिल जाती है, और आप देख पा रहे हैं ब्रेकिंग इनकी जो लीवर फिनिशिंग है भाई MT की, वो भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। तो दोस्तों सीट में बता दूँ आपको, MT 15 में आपको सिंगल सीट देखने को मिलता है, इसमें स्प्लिट सीट नहीं आता दोस्तों, सिंगल सीट आती है। बट सीट की क्वालिटी बहुत अच्छा है, फोम क्वालिटी भी आपको बहुत सुपर मिलेगी। ये स्ट्रिप भी आपको मिलती है, स्ट्रिप ये बहुत काम की चीज़ है, ये आपको ग्रेबल्स यहाँ पे बाइक में देखने को मिल जाते हैं। ये बाइक का टैन डिज़ाइन देखिए कितना सुपर है, और इस बार कलर की फिनिशिंग देखिए बहुत प्रीमियम है, प्लस यहाँ पे आपको 820 की बैचिंग मिल जाती है। ठीक, बात करें स्पीडोमीटर के बारे में, सबसे पहले दोस्तों की देख लीजिए, कुछ इस टाइप का की आपको मिल रहा है MT 15 में। ठीक, स्पीडोमीटर दोस्तों इस बाइक में आपको फुली जो डिजिटल मीटर है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। कैन सी कंपनी ने यहाँ पे फुली डिजिटल मीटर इसमें ऑफर किया हुआ है, जिसमें आपको काफ़ी सारे जो फीचर है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहले ये गियर इंडिकेटर है, ये टेकोमीटर है, इसे RPM कहते हैं, स्पीडोमीटर है, ये फ्यूल इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको ऑडोमीटर मिलता है, उसके बाद क्लॉक है, फ्यूल गेज है, सर्विस रिमाइंडर है, एवरेज है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है। प्लस उससे आपको जो BT यानी कि जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वो भी आपको इस बाइक में देखने को मिलेगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करके इसका यूज़ कर सकते हैं। प्लस दो स्विचेस हैं जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। स्विचेस में दोस्तों ये 5 चीज़ हैं, यहाँ पे ये हॉर्न है, ये टर्न सिग्नल लैंप है, ये इंजन कूलिंग सीज़ और 1000 का सीज़ भी जो है कंपनी ने यहाँ पे दिया हुआ है, जो चारों इंडिकेटर आप इसे ऑन कर सकते हैं। ठीक, और आप देख पा रहे यहाँ पे आपको MT की जो ग्रीन लोगो है ये भी आपको कितनी प्रीमियम देखने को मिल जाती है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक की सीट हाइट के बारे में, फिर जो सीट हाइट है दोस्तों लगभग 810 mm के आसपास का सीट हाइट है, मतलब आपके लिए डरो ना, अगर 5.4 इससे ऊपर है तो आप इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाइक का जो कर्व वेट है लगभग 139 kg के आसपास का कर्व वेट हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी लाइट वेट बाइक है, जिस वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। सो ये दोस्तों ब्रांड न्यू यामाहा MT 15 न्यू ग्रीन कलर का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। आप दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को ये बाइक कैसी लगी। भाई बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत प्रीमियम भी लग रही है। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छी लगी होगी। बाइक कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।